नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के बीच आईपीएल 2020 का 28वां मुकाबला विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और दिनेश कार्तिक की कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेला गया। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने सोमवार को शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए आईपीएल सीजन 13 के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर को 82 रनों से मात दी। इंडियन प्रीमियर लीग में सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बी डिविलियर्स का बल्ला खूब बोला। उन्होंने अपनी तेज तरार 73 रनों की पारी की बदौलत आरसीबी का स्कोर 194 रनों तक पहुंचा दिया। इस पहाड़ जैसे स्कोर के आगे केकेआर की टीम ने हथियार डाल दिए और उसे 82 रनों की करारी हार झेलनी पड़ी। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने शारजा क्रिकेट स्टेडियम में एबी डिविलियर्स की नाबाद 73 रन की अर्धशतकीय पारी की मदद से इंडियन प्रीमियर लीग मैच में कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ 2 विकेट पर 194 रन बनाए। एरन फिंच ने 47 और कप्तान विराट कोहली ने नाबाद 33 रन का योगदान दिया। इस मैच में आरसीबी कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद आरसीबी के लिए बल्लेबाजी करने उतरे एबी डिविलियर्स ने 23 गेंदों में तूफानी 50 के साथ एक छक्का इतना लंबा मारा कि गेंद मैदान के बाहर जाकर सड़क पर जाने वाली कार से जा टकराई। दरअसल पारी के 16वें ओवर में एबी डिविलियर्स ने कमलेश नागरकोटी की तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार 2 छक्के मारे। इन दोनों छक्कों के दौरान गेंद मैदान के बाहर गिर गई, जिसमें एक गेंद मैदान के बाहर जाने वाली सड़क पर कार से जा टकराई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, इस दौरान डिविलियर्स ने 23 गेंदों में तूफानी 50 जड़ी, जो कि उनके आईपीएल इतिहास में बैंगलोर के लिए दूसरी सबसे बड़ी 50 है। इससे पहले भी डिविलियर्स आरसीबी के लिए 23 गेंदों में 50 जड़ चुके हैं। डिविलियर्स ने अपनी तूफानी 50 के दौरान 4 चौके और 5 छक्के जड़े। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।